एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैंने सोचा कि बैठी हुई हूँ, चलो स्किन केयर का थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि 1 मंथ हो गया था मैंने कुछ भी अपने फेस का कुछ किया नहीं था। तो फर्स्ट चीज़ मैं जो अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, वो है जेंसन का क्लिंजर। मेरी फेवरेट ब्रांड जेंसन है, बहुत थोड़ी सी महंगी है, बट या रिज़ल्ट इज़ आउटस्टैंडिंग। और अगर आप टीनेजर हो आप तब भी यूज़ कर सकते हो, और ये मेड इन जर्मनी है। और ये जो क्लिंजर मेरे पास है ये आई थिंक 4500 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा है। और ये मैंने बाउल में पानी दिया हुआ है, क्योंकि मैं पहले अच्छे से क्लिंजिंग करना चाह रही थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं इसके पास मास्क अप्लाई करूँगी, तो इसलिए, क्योंकि मास्क स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है, और मेरी अभी वो वाली एज नहीं है कि मैं ज़्यादा मास्क लगाऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज भी कर दो। तो मैंने जेंसन का ही वाइटनिंग मास्क इस अप्लाई किया है, और ये काफ़ी थिक है, और इसको लगाने के बाद ना आप बोल सकते हैं, ना आप हंस सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने 30 मिनट्स बाद आई हूँ अब मैं, जब तक ये ड्राई नहीं होता आपने इसको उतारना नहीं है, बट मैक्सिमम आई थिंक 30 मिनट्स में ये हो जाता है ड्राई। और इसका रिज़ल्ट एक, मतलब जिस टाइम आप अप्लाई करेंगे आपको इतना नहीं नज़र आएगा, बट विद एन आवर आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नज़र आएगा। और मैं, हाँ, इसकी एक चीज़ जो अच्छी नहीं है, इसको उतारना बहुत मुश्किल है। मैं इसको उतार रही हूँ, बहुत मेहनत लगती है, बालों के अंदर चिपक जाता है। ये जो पैकेट है, यूजली लोग ये पूरा बना के और वो लगा लेते हैं, और वो फिर पूरा एक फेस की शेप से निकलता है, बट मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं इसको 4 to 5 times इस मास्क को लगा लेती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो आप पूरा पाउडर बना के भी लगा सकते हैं, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपका मास्क आराम से निकल आएगा। बट मैं जिस तरह लगाती हूँ उस तरह आप 5 दफ़ा भी अपने फेस पे लगा सकते हैं, और जैसे आप लगाएं अगर आप अमीर हैं तो। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से मास्क रिमूव कर लिया है, और मैं टिश्यू की मदद से अपने फेस बट मेरी ज़ुबान फिसल रही है, वेट टिश्यू की मदद से अपने फेस को साफ़ कर रही हूँ। मैं टॉवल नहीं यूज़ कर रही हूँ। एक तो मैं जब भी वीडियो बनाने लगती हूँ बीच में पी 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 ज़रूर हो रही होती है, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो या बस मैं क्या कहूँ। और यहाँ पर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील कर रही है, और मेरी आँख में ही टिश्यू चिपक गया। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मस्कारा फैल गया था। अच्छा, मुझे पिंपल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे डार्क सर्कल्स हैं जो शायद लाइट की वजह से इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्प्रे, इसमें मैंने रोज़ वाटर डाला है और जेंसन का ग्लोइंग सीरम डाला है। शीशे की वो मिलता है उसमें कंटेनर में, मैं किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊँगी, वो मिक्स किया हुआ है, और इसको मैंने फेस पे लगाया है, और इसको मैं हल्का सा डैप डैप कर रही हूँ, मल रही हूँ, अच्छे से लगा रही हूँ। ये जब मैं बाहर से आती हूँ तो मैंने इसको फ्रिज में रखा होता है, और मैं जल्दी से फेस वॉश करके ये अपने मुँह पे लगाती हूँ, और बहुत अच्छा फील होता है। तो ये आप हर मौसम में लगा सकते हैं, क्योंकि चिपचिप वाला मौसम था तो मुझे फेस पे कुछ नहीं लगाने हो रहा था, मुझे मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए अब मैं डॉक्टर रहील का हाइड्रेटिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ। मेरा कैमरा ज़्यादा सही से दिखा नहीं रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप्स लिए हैं, और इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं मुझे जो उनसे डार्क सर्कल्स हैं, ये नहीं है कि पिंपल नहीं है, ऑब्वियसली इस एज में पिंपल होते हैं, बट आई थिंक मैं कंट्रोल किया हुआ है अपने पिंपल्स पे। इसके बाद ये मैंने अगेन किसी का कंटेनर लिया हुआ है, और उसके बीच में कोई और चीज़ डाली है, इसमें भी जेंसन के 2 ग्लोइंग सीरम डाले हैं और जेंसन की क्रीम डाली है, और इसको मैं उन जगहों पर लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे हल्की हल्की यू नो डार्कनेस है, पिंपल है, या जहाँ पे मुझे ग्लो चाहिए, तो मैं वहाँ वहाँ पे सिर्फ लगा रही हूँ, पूरे फेस पे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा चुपचुप हो जानी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं पूरे फेस पे लगाती, बस वहाँ वहाँ पे लगाती हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है। जेंसन की चीज़ें अगर आप मुझसे पूछें कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मैं बोलूँगी 100%। मेरी मम्मा ने भी अपनी इस एज में
मतलब मैं इसे थोड़ी सी एक्चुअली वो भरी भी, बट मेरी मम्मा ने भी पूरी लाइफ सिर्फ जॉनसन यूज़ किया, मैंने भी किया। हाँ ये है ऑल्दो कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इट्स ओके। जब आपकी स्किन का मामला आता है तो फिर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो। ये डॉक्टर रही की विटामिन सी क्रीम है, जो इसका मैं रिव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आप जाकर ज़रूर देखें। और इसको मैं अभी लगा रही हूँ क्योंकि ये सन प्रोटेक्ट भी करता है, तो मैंने सोचा कि लगा लेते हैं। एंड दे हैव वेरी नाइस एंड सटल टिंट, तो मैंने कहा चलो हल्का सा फाउंडेशन का भी काम हो जाएगा। और मैं इसको अपने डार्क सर्कल्स वाली जगह पर ज़रूर लगा रही हूँ, बिकॉज वहाँ पे रिंकल्स पड़ते हैं और इसमें एंटी एजिंग और रिंकल्स के लिए उन्होंने डाली हुई हैं चीज़ें। मुझे नाक के नीचे बहुत हारी हो रही है। बाय द वे, मैंने फर्स्ट टाइम आज अपनी रिंग लाइट के साथ वीडियो बनाई है, तो आई फील सो वियर्ड। अच्छा, जब भी आप अपने फेस पे क्रीम लगा रहे हैं या क्लिंजिंग कर रहे हैं, तो अपने फेस को जो आप क्लिंज कर रहे हैं तो आपने अपवर्ड्स करना है ताकि आपकी स्किन टाइट रहे। आईज़ को भी करना है। आप थोड़े से अजीब लग सकते हैं, बट या तो अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ एलोवेरा जेल, और यहाँ पे उसका ढक्कन टूट के मेरे से नीचे गिर गया, और यहाँ पे हादसा एक और हुआ कि ये बहुत ज़्यादा निकल गई। ओ नो। तो फिर मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लगानी थी पर बहुत ज़्यादा निकल गई, तो फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया कि मैंने थोड़ी थोड़ी फेस पे लगाई और बाकी सारी मलके अपने बाजुओं पे लगा ली। एलो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रेटिंग एसेट नहीं है, आपके पास रोज़ वाटर नहीं है, और अगर आपके पास आपके कोई दानों पे लगाने की क्रीम नहीं मिल रही है, ये इन तीनों चीज़ों के लिए एलोवेरा इज़ द बेस्ट थिंग है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, आई थिंक 200 की बॉटल होती है, जो आप आराम से यूज़ कर सकते हो। रिंकल्स के लिए अच्छी है, हर चीज़ के लिए अच्छी है। तो अगर आपको मेरा ये स्किन केयर अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़। बीच में बहुत से फंबल मारे हैं मैंने। थैंक यू।